खरखोदा विधानसभा यानी सोनीपत हरियाणा की हॉट सीट, जहां से पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी पवन खरखोदा, चेयरमैन मीना नरवाल, पूर्व प्रत्याशी भाजपा डॉक्टर कुलदीप काकरान व हाल ही में भाजपा में शामिल हुए इनेलो नेता प्रीतम खोखरा आदि टिकट की लाइन में खड़े हैं। इन्हीं नामों के बीच एक और नाम चर्चा में बना हुआ है, जो है रविंद्र दिलावर। जी हाँ, रविंद्र दिलावर भी अब खरखोदा विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। यहाँ से मौजूदा विधायक जयवीर वाल्मीकि की टिकट कांग्रेस से लगभग तय हो चुकी है। दूसरी राजनीतिक पार्टियों का यहाँ कोई खास वजूद नहीं है। तो आइए बात करते हैं रविंद्र दिलावर से। पहले तो मैं सबको ओम नमः नारायण बोलता हूँ, और जैसा कि चर्चा में है, भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार भी बनाने जा रही है हरियाणा में अच्छे बहुमत से। और जो भी पूरे हरियाणा का माहौल है, तो मेरी दिली तमन्ना है कि वही माहौल खरखोदा का भी बने, खरखोदा का विकास हो। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि खरखोदा में बुनियाद तो मजबूत है, लेकिन एक छत की आवश्यकता थी। दीवारें बिना छत के खड़ी थी। हमारा भाजपा कार्यकर्ता भी इस प्रकार के वातावरण में था, तो हमें जो एक चैलेंज के रूप में ये काम करना है कि खरखोदा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। साधन नहीं है। अब ये समस्या इतना विकट रूप ले ले तो कितना ही पैसा लगा लो, वो पैसा लगाना बेकार है। लोग अपने घरों को बनाए, कुछ भी करें, तो मैं समझता हूँ कि इस समस्या को यदि गहराई से लें और सबसे पहले हम यही समाधान करें कि खरखोदा में हम सीवरेज को या पानी निकासी को इतना गहरा ले लें कि खरखोदा में एक बूंद भी पानी ना बचे। उसी के साथ साथ सफाई को जोड़ता हूँ मैं। और दूसरा, जैसे कुछ पशुओं की समस्या रहती है कि खरखोदा में इनकी देखरेख का आमतौर पर सड़कों पे गौ माता का विचरण और गंदगी के ढेर पे माता जी का, गौ माता का, इस प्रकार से मन को दुखी करने वाली बातें आती हैं। तो इन सब बातों को लेके हम सब के साथ तालमेल करके, नगर पालिका चेयरमैन भी हमारे हैं, उन सब के साथ बैठ के इनको गहराई से लेंगे। यहाँ सरकार का एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि खरखोदा में पीने के पानी की भी समस्या मुझे ध्यान में आती है कि खरखोदा में यदि पीने के पानी के लिए भी हमें काफ़ी कुछ काम करना होगा। और जैसे ट्रैफिक जाम की समस्या है, अभी बहुत से भाइयों में इस प्रकार की, जैसे सरकार भी चाहती है कि लोग जागरूक हों, तो हमें भी खरखोदा में कोई ऐसा एनजीओज, इन सब के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी, दुकानदार भाइयों से मिलकर उनके बीच में जाके, कि उनको पार्किंग भी देनी होगी, कोई इधर से गाड़ियों की पार्किंग पहले तो हम ही व्यवस्था दें, उसके बाद उनसे हम अपेक्षा करें। तो ट्रैफिक की जाम को भी निश्चित तौर पर हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। और यदि उसमें किसी भवन को भी ट्रांसफ़र करने वाली बात आई, तो ऐसा भी हम विचार करके चलेंगे। एक जो मेरा निजी अपना अनुभव है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधारना, क्योंकि आमतौर पर गरीब व्यक्ति ही इनमें पढ़ते हैं, धनवान व्यक्ति कहीं से भी अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकता है। आजकल एक ट्रेंड बना हुआ प्राइवेट स्कूल की ओर, तो मेरा मानना यह है कि सरकारी स्कूल में लाखों रुपए दे के टीचर होते हैं, जबकि प्राइवेट में तो इतनी तनख्वाह मिलती भी नहीं है। तो ज़्यादा ट्रेंड टीचर तो सरकारी स्कूल में है। स्टैंडर्ड तो ये होना चाहिए कि MLA साहब, आप ये सिफारिश करो कि मेरा बच्चा स्कूल में दाखिल हो जाए। लेकिन यहाँ क्या है कि केवल कुछ निम्न वर्ग के लोगों के ही बच्चे, या दूसरे बेचारे जो अपने आप को SI मिल पाते हैं, तो इस प्रकार का एक वातावरण सरकारी स्कूलों के प्रति बना हुआ है। तो मेरी तो दिली तमन्ना रहेगी कि हम हर स्तर पर जाके सरकारी स्कूलों को अडॉप्ट करके इन सरकारी स्कूलों का ऐसा स्टैंडर्ड बनाएंगे कि लोग ये कहेंगे कि ये प्राइवेट स्कूल की बजाय भी हमारे बच्चे स्वाभिमान से पढ़ रहे हैं। एक और मेरे ध्यान में आती है कि यहाँ की यातायात समस्या, यातायात के बारे में मुझे जो मेरे वर्कर्स कार्यकर्ताओं ने बताया है, मेरी प्रेस मीडिया से ही बात हुई है, तो उसमें बात आई है कि पहले यहाँ से बस हरिद्वार जाती थी, चंडीगढ़ जाती थी, कहीं ना कहीं ऐसा कोई बीच का कनेक्शन नहीं हो पाया। स्थानीय विधायक जी अपने आप को शायद इस बारे में बड़े भाई हैं मेरे, जयवीर वाल्मीकि जी, तो उनको भी थोड़ा तालमेल कर लेना चाहिए था। तो सरकार, ऐसा नहीं होता कि सरकार कभी उनको मान सम्मान नहीं देती,
तो यदि वो ये करते तो निश्चित तौर से ठीक होता। और मेरा टोटली ये रहेगा कि मैं 24 घंटे अपने लोगों के बीच रह के और उन सब का आशीर्वाद लेके, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा पहले से भी अच्छा संबंध रहा है, और उनकी सोच भी है कि हरियाणा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और दिल्ली के नज़दीक होने के नाते खरखोदा में विकास की अनेकों संभावनाएं हैं। टूरिज्म का यहाँ काम हो सकता है, मेट्रो भी यहाँ आ सकती है, यहाँ की जो IMT है इसका विकास होना है, अनेक प्रकार के रोड यहाँ आने हैं, सड़कें आनी हैं। तो इन हाँ, एक और मेरे ध्यान में आता, मिनी सेक्रेटरीट। कोई भी अधिकारी यहाँ ये नहीं चाहता कि मैं रात को खरखोदा में कहाँ रुकूँ, तो ये समस्या भी हमें ध्यान में आती है कि हमें यहाँ की अच्छी से अच्छी व्यवस्था बना के यहाँ मिनी सेक्रेटरीट डेवलप करा के, ताकि यहाँ के अधिकारी यहीं प्राप्त हों और खरखोदा की ही सारा उनका चिंतन मनन सब कुछ हो। तो इन सब बातों के लिए यदि मुझे पार्टी मौका देती है यहाँ से प्रत्याशी के तौर पे, और यहाँ के जो हलके के लोग हैं, यहाँ इस क्षेत्र के लोग हैं, यदि मुझे अगला विधानसभा में भेजते हैं, और तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि मैं 24 घंटे इनकी सेवा में तत्पर रह के मेरा सब कुछ जो भी होगा वो खरखोदे के विकास के लिए ही मेरा ध्यान होगा, और उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। रविंद्र दिलावर जी, आपके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कंसल जी। धन्यवाद।